इस दिवाली किचन के लिए कास्ट आयरन कढ़ाई लेनी है। कौन सी कढ़ाई लें और कास्ट आयरन कढ़ाई को क्लीन कैसे करते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, इसे सीजनिंग कैसे करते और हैं। कढ़ाई को कभी पलट कर नहीं रखनी चाहिए, ये बात आपने सुनी होगी। तो जैसे जो बड़ी कढ़ाई है उसके बाद दूसरी वाली कढ़ाई रख सकते हैं उससे छोटी, और फिर आप इस तरीके से तीसरी रख सकते हैं उससे छोटी। जगह तो उतनी लेंगी जितनी एक कढ़ाई की जगह है, लेकिन एक के ऊपर एक रखना चाहिए पलट कर। जैसे ये कढ़ाई है ना, ऐसे पलट कर कढ़ाई किचन में नहीं रखनी चाहिए, खुली रखनी चाहिए कढ़ाई। तो कढ़ाई रखने का यही तरीका है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक एक्सपर्ट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही विश मेरी। आज का ब्लॉग क्या है? आज कोई कुकिंग रेसिपी कुछ भी नहीं, ना ही कोई टिप्स, लेकिन हाँ, आपकी रिक्वेस्ट पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ। आज मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्या? अभिलाषा, कास्ट आयरन कढ़ाई लेनी है, कौन सी लें? कास्ट आयरन कढ़ाई कौन सी ज़्यादा अच्छी है? ऑनलाइन जब भी देखते हैं तो सब एक सी दिखती हैं, साइज में भी फ़र्क महसूस होता है, लेकिन कौन सी लेनी चाहिए? आप तो रेगुलर कास्ट आयरन यूज़ करती हैं, आप बताइए कास्ट आयरन में खाने में स्वाद में फ़र्क आता है कि नहीं, कलर ब्लैक हो जाता है कि नहीं, कढ़ाई को क्लीन करने में दिक्कत आती है कि नहीं, ढेर सारे सवाल होते हैं और हमेशा ही मैं रिप्लाई भी करती हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपके साथ कुकर कलेक्शन दिखाया, कुकर का मेरी ओर से अपना पर्सनल रिव्यू दिया, सबको बहुत पसंद आया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने नहीं देखा है कुकर वाला वीडियो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और आज की खास रिक्वेस्ट है कास्ट आयरन कढ़ाई का रिव्यू। शुरुआत करती हूँ मैं इस बात से कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। प्रमोशन के लिए जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, कोई भी कंटेंट बनाते हैं, तो जिस ब्रांड का हम प्रमोट कर रहे होते हैं हमें उसकी तारीफ करनी ही है ना। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन दूंगी जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं तो मेरी जो कुकिंग चैनल में कुकिंग रेसिपीज होती हैं, ऑलमोस्ट मैं आजकल करीब एक डेढ़ दो साल होने को हैं, अगर मैं दो साल भी कह लूँ या डेढ़ साल तो पूरा समझ लो, मैं रेगुलर कास्ट आयरन कढ़ाई का ही यूज़ करती हूँ। जबकि मेरे पास इससे भी बेस्ट ऑप्शन है, हमारी कढ़ाई रानी जिसको सबको पसंद है, लेकिन फिर भी देखो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो यूज़ करने का मतलब है एक दो बार आप कुछ भी ट्रायल कर सकते हैं या दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप डेली यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को तो वो आपको पसंद होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो फॉर एग्जांपल तो ये हो गया कि हम इसे रोज़ यूज़ करते हैं, मतलब ये हमें पसंद है। कास्ट आयरन में मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसे डेली यूज़ करेंगे तो आपकी वो फेवरेट ही हो जाने वाली है। ब्लैक कलर वैसे भी देखो ना, पार्टी में जाना हो ब्लैक कलर सबको पसंद होता है, ये तो एक मजाक की बात है। और हेल्दी के लिए भी देखो, हेल्दी कुकिंग के लिए कास्ट आयरन दी बेस्ट। पुराने समय में नॉर्मल आयरन कढ़ाई यूज़ होती थी और वो रेगुलर यूज़ करते करते बाहर से आपको ब्लैक दिख रही होंगी, लेकिन घरों में जो लगातार यूज़ करते हैं वो सफ़ेद चकाचक हो जाती हैं, क्योंकि उसको घिस घिस के साफ किया जाता है। घिसने की वजह से कढ़ाइयों में बीच में से वो हल्की हो जाती हैं, फिर वो जलना शुरू हो जाती हैं। अब जलने लग जाती हैं फिर उनको डेली इतना मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आपको कास्ट आयरन में नहीं होती है। मैं पास से एक एक कढ़ाई के बारे में बताऊंगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ डेढ़ सालों से, किसमें मुझे क्या चीज़ महसूस हो रही है अच्छी या ख़राब, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप कास्ट आयरन का मार्केट से लो या ऑनलाइन लो, ये आपकी चॉइस है। कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड नेम, जैसे कुकर के लिए मुझे बताया गया कि हाँ अभिलाषा आपने ये वाला बेस्ट बताया, लेकिन अगर आप ब्रांड नेम बताते तो अच्छा होता। ब्रांड नेम में होता क्या, हम अगर एक ब्रांड नेम बोल दें और वही चीज़ अगर आपने ले ली, कभी कुछ इन केस कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर आपको लगेगा हमने कहा था इसलिए। दूसरा ये कि पर्टिकुलर ब्रांड का नेम लेने से फिर वही प्रमोशन वाली बात हो जाएगी। प्रमोशन करना मतलब हम किसी खास चीज़ की तारीफ कर रहे हैं, जबकि मैंने कल भी ये मेंशन की थी और आज फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, मार्केट में इतना है स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन जो भी निकल रहा है, सब अच्छा है। आपको कौन सा लेना है ये आप सोच के ले सकते हैं, लेकिन कुछ अंतर नहीं है, वो सब एक जैसे ही हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील ने मैंने बोला, ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील लो आप, वो अच्छा है। तो वो ट्राई प्लाई में कितने सारे ब्रांड है और इतना कंपटीशन है, हर कोई उससे अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा है, हर चीज़ अच्छी है। अच्छा, अगर हम ये कह भी दें कि ये चीज़ अच्छी है तो हमने कौन सी दसियों चीज़ें यूज़ की, हमने भी तो गिनती के दो तीन ब्रांड ही यूज़ किए हैं। अगर हम एक दो ब्रांड यूज़ करके ही उन दो में से किसी एक का नाम लेते हैं, मे बी
उससे बेटर ऑप्शन मार्केट में हो और जो हमने देखा भी ना हो या हमने यूज भी ना किया हो, तो हम कैसे बोल सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका मैं नाम नहीं भी लेना चाहूंगी, लेकिन कमेंट्स में जब हम यूज करते हैं या कोई दूसरा पूछ रहा होता है तो रिप्लाई में बहुत से व्यूवर्स बोल के जाते हैं कि इस ब्रांड का बहुत अच्छा है, मैं यूज कर रही हूँ। दैट मीन्स कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में और सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जो मैं यूज कर रही हूँ और मुझे इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे ब्रांड नेम ना लेने के दो रीजन हैं। एक तो ये कि वो ले लो तो फिर कुछ लोग को शिकायत शुरू हो जाती है, ये प्रमोशन ही नहीं है तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या वही लो। दूसरा ये कि हमने बहुत सारे ब्रांड के अनगिनत ब्रांड हमने जाने नहीं। ये जो जितना भी कास्ट आयरन मेरे पास है, मात्र द इंडस वैली है मेरे पास जो है, वही मैं यूज कर रही हूँ, प्रमोशन के लिए यूज किया। लेकिन अगर हमें वो चीज अच्छी लग रही है तो हम बार बार यूज करते हैं। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगी, और मेरे पास जिस्टा की एक कढ़ाई है, तो मैंने इसका मतलब क्या अभिलाष सिर्फ दो ही ब्रांड के बारे में जानती हैं। इतने तमाम ब्रांड्स हैं जो इनसे बेहतर भी हो सकते हैं, इनसे कम भी अच्छे हो सकते हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता। बस ये सवाल का जवाब मैं आज लेकर के आई हूँ कि अभिलाषा हमें कास्ट आयरन कढ़ाई लेनी है तो कौन सी लें, कौन सी कढ़ाई अच्छी रहेगी, कढ़ाई की जगह क्या मैं वो पैन ले सकती हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं जिनसे हमारी बात भी होती है, उन्होंने मुझे फ़ोन करके स्पेशली पूछा कि उसे वो पैन चाहिए तो मैं ले लूँ और क्या मैं उसमें डीप फ्राई करूँगी। मैंने साफ बोला तुम वो पैन लो, तुम चाइनीज़ कुक करो, लेकिन उसमें तुम डीप फ्राइंग मत करना, हल्का होता है। तो इसीलिए मैं उसकी मतलब इस सभी चीज़ों के बारे में खास एक्सप्लेनेशन दूंगी और फुल डिटेल वीडियो है, जैसा कि अभिलाषा हर चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में बताती है। ये सबसे पहली कढ़ाई है मेरी, अगर याद होगा 1.5 साल पहले सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई स्टार्ट की थी कास्ट आयरन में यूज करना। मुझे इस कदर पसंद आई, मैंने इसमें डीप फ्राइंग भी किया, इसमें कुकिंग भी रेगुलर करती हूँ। इसके बाद मैंने यूज किया है ये वाली कढ़ाई, लेकिन ये मैंने रेयर ही यूज की है, रेगुलर डेली यूज के लिए मैंने इसको यूज नहीं किया है। सेकेंड मैंने सबसे ज्यादा यूज करी है ये कढ़ाई, जो स्मूथ कढ़ाई है, ये वाली थी छोटी, इसके बाद सेकेंड नंबर में ये वाली आई थी, ये स्मूथ कढ़ाई है। ये मैंने बहुत यूज की और मैं इसको बहुत यूज करती हूँ, सबके बारे में बताऊंगी कि क्यों और किसकी क्या खासियत है। ये है डीप कढ़ाई, ये है वोक पैन, और ये रहा तीसरे नंबर की कढ़ाई जो मैं बोल रही हूँ। और आपको लगेगा कि ये तीन कढ़ाइयाँ हैं तो सब तो एक जैसी हैं, लेकिन सबकी सब एक जैसी होने के बावजूद इनका यूज करने में जो फर्क महसूस हुआ वो बिल्कुल अलग है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। और ये रहा फ्राइंग पैन और ये रहा ग्रिल पैन, तो ये टोटल कास्ट आयरन वेसल्स हैं। तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहली कढ़ाई ये कढ़ाई, ये कढ़ाई बहुत प्यारी है, डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छी है। डीप फ्राइंग में स्पेशली पूरियां, जैसे इसका जो साइज है अंदर का ये छोटू सा है, इसमें हम जितना भी ऑयल डालते हैं तो ये नीचे तक गहरा रहता है, और डीप कढ़ाई में पूरियां अच्छी फ्राई होती हैं। लेकिन अगर इसमें हमने समोसे फ्राई किए या हमने मठरी फ्राई की, हमने ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं, पूरी तो एक एक करके भी तल सकते हैं, तो एक पूरी अच्छी फ्राई होती है, मठरी हमने इतनी डाल दी तो वो आपस में फैल नहीं पाती हैं अच्छे से, मुड़ सी जाती हैं। समोसे जैसे दो या एक दो फ्राई हो पा रहे हैं, चार समोसे डालेंगे तो ये कंजेस्टेड लगेगा, चकली अकली फ्राई करी तो ये जब शुरू में आई तो ये मुझे बहुत पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि जो मेरे पास कढ़ाई है वो बड़ी वाली कढ़ाई है, उसमें फैल जाता है घी या तेल, ज़्यादा तेल डालना पड़ता है, इसमें थोड़े से तेल में पूरी अच्छी फ्राई होती है, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद थी। ये कढ़ाई लेना चाहेंगे बहुत से लोग चाहते थे, जब मैंने ये कढ़ाई ली थी, जब मेरे पास ये कढ़ाई आई थी उसके शायद मुझे लग रहा एक महीने बाद ही मैंने इस कढ़ाई का दोबारा ऑर्डर किया था, और ये कढ़ाई नॉट अवेलेबल थी और आज तक नहीं है। इसका मतलब उन्होंने खुद मुझे, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कढ़ाई आई थी ना अभिलाषा, उसके बाद से ये कढ़ाई नहीं आई है, इसके बाद सेकेंड नंबर में कढ़ाई आई है ये वाली स्मूथ कढ़ाई, और ये अभी भी मिल रही है। और जब इसके बाद ये आई तो अगर आपने देखा होगा, अगर मुझे भिंडी काट के छौकनी है, गोभी सब्जी सूखी, सिर्फ मैंने जब ये, चूंकि मेरे पास दो है ऑप्शन है आपके पास, तो आप फ्राइंग में इसको ही चूज करोगे, तो ऑब्वियस मैंने इसको पूरी में यूज किया, बड़ी खुश होके। पकौड़े भजिए में भी ना चार पांच के बाद फिर वो आपस में पास पास लगने लगते हैं, थोड़ा तो फैलाव होना चाहिए। ये कढ़ाई ये इन दोनों की कमी पूरी करती है, आपको चार छह तो लेके रखना नहीं है, एक लेना है अगर इन दोनों में से आप एक लेना चाहेंगे। ये तो है नहीं, नॉट अवेलेबल, क्वालिटी सेम है, कभी टेस्ट में फ़र्क नहीं आता, कढ़ी हो चाहे टमाटर डालो सब्जी में कोई फ़र्क नहीं आता, डेली यूज़ करो। तो जब इन दोनों में से आपको लेना हो तो आप
ये ले सकते हैं, ये वाली। इसके साथ ये सुपर स्मूथ कढ़ाई है, इसमें जब हम कोई चीज़ छौंकते हैं, पकाते हैं, यानी कि सब्जी हम कढ़ाई लेते हैं, ठीक है, पूरी तलने के लिए बढ़िया है ये, पूरी इसमें भी अच्छी तल पा रही है, फिर बाद में मैंने कई बार इसमें भी शुरू कर दिया, पूरी तल लो फिर तेल रखे रहना, तो ढक के रखा रहा, अगले दिन उसी में ही हमने कुछ काम कर लिया, या हमें उसके बाद उसी दिन भी सब्जी छौंकनी है तो हमें आराम रहता है। मैंने इसमें भी कढ़ी बनाई है, सूखी सब्जियां, ग्रेवी वाली सब्जियां, मसाला भूनती हूँ तो अच्छे से मसाला भूनता है, जैसा कि मैं कहती हूँ ना स्पैचुला को यूं घुमा घुमा के, वो हम लोगों को आदत है, टमाटर प्रेस करना है तो प्याज अच्छे से मसलना है, तो ये पूरा अच्छे से काम करती है, बहुत ही बढ़िया कढ़ाई है। और मुझे लग रहा है आपने बहुत से लोगों को भी देखा होगा इसमें कुकिंग कर रहे हैं। इसके साथ में ये कॉम्बो पैक था, ये फ्राइंग पैन, ये फ्राइंग पैन और ये कढ़ाई, ये सेट ऑफ टू कॉम्बो पैक, ये स्मूथ कढ़ाई। कई बार व्यूवर्स ने पूछा है मुझे कमेंट में, अभिलाषा वो जो स्मूथ कढ़ाई दिख रही है वही आप यूज़ करते हो क्या? यस, ये स्मूथ कढ़ाई है और ये इसके साथ फ्राइंग पैन का सेट ऑफ टू। आप सिंगल भी लेना चाहोगे तो आप सिंगल ओनली कढ़ाई भी ले सकते हो और आप ओनली फ्राइंग पैन भी ले सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा जहाँ से भी आप ले रहे हो। आप ऑनलाइन ले चेक करेंगे तो आपको रिटर्न करने में ईजी रहता है, वेबसाइट वगैरह में भी देखेंगे तो थोड़ी सी कभी कभी किसी को इशू आ जा रही है, तो ये आप अपना समझ के से देख सकते हो। आप मार्केट में भी देख सकते हो कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांड नेम कोई टैग हो, बहुत ही ज़्यादा ब्रांड हैं लेकिन उनमें कई बार मैंने सुना है देखा है कि कास्ट आयरन है लेकिन उसमें ब्रांड टैग नहीं है, तो भी उनको खूब यूज़ हो रहा है। एक मेरी फ्रेंड है वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही है कढ़ाई, कोई ब्रांड का नहीं है लेकिन मस्त यूज़ कर रही है, तो आपकी ये आपकी चॉइस हो सकती है। कास्ट आयरन में ये जो स्मूथ कढ़ाई है, सुपर स्मूथ, ये बहुत अच्छी है रेगुलर डेली यूज़ के लिए, और फ्राइंग पैन का कोई जवाब नहीं। फ्राइंग पैन की तारीफ इन शॉर्ट में बोलना चाहूँगी कि स्टील के जो फ्राइंग पैन होते हैं उसमें ज़्यादा लंबे समय तक कुकिंग करने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब कि वो जल सकता है, मसाला वसाला भूनना के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हो, सिर्फ ऐसे हल्का फुल्का को जैसा चौक बगार करनी है फ्राइंग के लिए है, वो शैलो फ्राई के लिए। ये जो है ना ये हैवी बॉटम है, फ्लैट है, इसमें आप फ्राइंग का काम भी कर सकते हो, इसमें अगर आपने भर दिया है कोई चीज़, मैंने मठरी बनाई थी वो वाली लेयर वाली मठरियाँ धीमी आँच पर पकानी थी, इसमें इतना सारा इतना तेल भर दिया आधा, और दूर दूर कम से कम 6-7 आप इसमें डाल दो और पलटते जाओ फोक से, अच्छे से फ्राई का काम करता है। सूखी सब्जियां ऐसे छोटी फैमिली के लिए 2-3 लोग हैं और सूखी सब्जियां भिंडी छौंक ली, थोड़ी सी आलू गोभी छौंक ली, कद्दू की सब्जी छौंक ली, जो लोहे की कढ़ाई में खाने का जो स्वाद आता है आलू बैंगन की सब्जियां, फ्राइंग पैन में आप कुकिंग भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और ऐसे दाल तड़का बनानी है, दाल कुकर है बन गई, आपने इसमें ही प्याज व्याज फ्राई कर ली और दाल डाल दिया, तो ये आपका मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, हैवी है, जलता नहीं है, और आप लेने के बाद पछताएंगे नहीं कि अरे क्या ले लिया, मतलब छोटे छोटे कामों के लिए, जो छोटी कढ़ाई का काम करना है ना वो आपका पैन में हो सकता है, और ये स्मूथ कढ़ाई है। अब बात ये है कि इन दोनों को तो मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, ठीक, अभी हाल फिलहाल ये नई कढ़ाई आई, ये वाली, और जब ये कढ़ाई आई तो यार मज़ा आ गया, मज़ा ये आया कि हमने तो इसको सिर्फ प्रमोशन के लिए शुरू की बनाना, मठरी बनाई थी, मठरी बनाई तो इसमें ना मैंने उतना तेल डाला जितना इसमें मैं डालती थी तेल, उतना जैसे हाफ अंदाज से डालते हैं, जितना तेल मैंने इसमें डाला उतना ही तेल मैंने इस कढ़ाई में डाला। और मज़े की बात ये रही कि ये जो है ना कटोरे का शेप है, ये डीप है, ये इन सब से डीपेस्ट कढ़ाई है। काश मेरे 3 हाथ होते तो मैं ऐसे दिखाती, देखो 2 में डिफरेंस देखना कौन सी ज़्यादा डीप लग रही है, ये वाली। इसमें थोड़ा सा तेल भी ऊपर तक था, पूरी मठरियाँ तलती गई लास्ट में भी तेल बचा हुआ था, अदरवाइज अगर सेम मैं मठरी तल रही होती और इसमें तल रही होती तो शुरू के 3-4 बैचेस तो निकल आते हैं, फिर बाद में लगता है कि तेल कम है तो मुझे उस इसमें फिर से डालना पड़ा, लेकिन इसमें यार कमाली था, मतलब बहुत पसंद आई मुझे ये फ्राइंग के लिए। तो अब अगर ये नहीं भी है ना, नॉट अवेलेबल, तो अगर फ्राइंग के लिए लेना चाहते हो इस तो ये ले सकते हो, सब्जी तो इसमें छौंक ही सकते हैं, कौन से बड़ा मसला है। मेन तो तलने में दिक्कत होती है कि तलने वाली चीज़ों में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ये डीप है, ये देखो इससे भी डीप है,
तो अब आपकी मतलब जरूरत क्या है वो आप देख सकते हो। जैसे इसमें मुझे अच्छा लगा था इसके कंपैरेटिव कि इसमें मुझे सब्जियां हिलाने में थोड़ी सी बड़ी रहे ना, तो कोई भी चीज़ अच्छे से चलाते बनती है, ये थोड़ी छोटी पड़ जाती थी सूखी सब्जियों के हिसाब से। और ये फ्राइंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्लीनिंग प्रोसेस के लिए ये इसलिए अच्छी होती हैं, स्टील की कढ़ाइयों में हमेशा यहाँ पर जो दो गोले लगे रहते हैं ना स्टील के, वो जो जिनसे वो हैंडल ज्वाइंट होते हैं, वहाँ पर हमेशा जल जाते हैं और फिर उनको साफ़ करने में दिक्कत होती है। कास्ट आयरन में देखो ना, एक गोल कटोरा होता है वो पूरा इवनली क्लीन होता है, ये इसमें भी नहीं है, तो इवनली क्लीन होता है। हैंडल्स अलग से हैं बाहर से, इसमें इन्होंने बाहर से ऊपर से ऐसे लगाया है, तो इस तरीके के शेप्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये तो सिंगल ही है, एक कढ़ाई ये वाली है जो कि कुछ लोगों के पास आपने देखा होगा कुकिंग चैनल में, इसमें मैंने कई बार छोले वगैरह पकाए हैं, क्योंकि जब मेरे पास ये तीन थी, ये नहीं थी ना, जब ये तीन थी तो इसमें छोले डालेंगे तो छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि छोले राजमा हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बॉईल कर लेते हैं, हमें मसाला भून के उसी में डालना होता है, तो ये मुझे छोटी लगती थी जब हम चार लोग हैं। तो फिर ये वाली कढ़ाई थी, लेकिन इस वाली कढ़ाई में क्या है, वजन ज़्यादा है, जैसे ये हल्की है और इसमें वजन है, प्लस इंडक्शन में यूज़ होती हैं ये सारी कढ़ाइयाँ, जितनी भी कास्ट आयरन कढ़ाइयाँ हैं मैं इंडक्शन में यूज़ करती हूँ। और अक्सर ही व्यूवर्स पूछते हैं कि आपका इंडक्शन कौन सा है, बजाज का है, उससे भी बेहतर भी हो सकते हैं मार्केट में, मेरे पास बजाज का है और उसमें आयरन की कढ़ाई यूज़ होती है, तो कास्ट आयरन ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ, ये जो फ्लैट बॉटम है ना इसकी, ये तो इंडक्शन में रखने में बढ़िया है। इसी मसाला भून लिया फिर इसी में डाल दिए छोले राजमा मैंने इसे बनाए हैं, या फिर मैंने इसमें इमली खजूर की चटनी, जैसे थोड़ी देर तक हमें पकाना है कोई चीज़ तो हल्के बर्तन में नीचे चिपकने लगती है ना, छोड़ दो तो इमली है या गुड़ है, इसमें चिपकता नहीं है, इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। अब ये चार कढ़ाई में से अगर आप लेना चाहोगे ना, तो मैं कहूँगी कि ये वाली सुपर स्मूथ कढ़ाई लेना, और अगर आपको ऐसा है कि दो कढ़ाई लेनी है तो आप ये ले सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, फ्राइंग का काम भी इसमें करती है और सब्जी की। सुपर स्मूथ और इसमें अंतर क्या है, आप कह दोगे कि ये वाली ले लेंगे, हाँ आज ही मैंने नोटिस किया, शुभम को पोहे बनाए थे सुबह टिफिन में, ये सुपर स्मूथ है, तो स्मूथली इसको आप ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं ना, कुछ स्क्रब नहीं होता इसमें ना, मतलब स्मूथ नहीं है ये, आप जब कलछी घुमाओगे तो आवाज़ आएगी जैसे इसलिए शायद वो सुपर स्मूथ इसलिए बनाई गई है, और ये रफ नहीं है, खुरदुरा नहीं है, है तो देख लो बिल्कुल चिकना, लेकिन वो तो इसलिए इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। और ये वाली कढ़ाई बहुत भारी है, और ये जिसका की है सबसे पहली कढ़ाई कास्ट आयरन मेरे पास ये थी, भिंडी और पत्ता गोभी की सब्जी सुबह के टिफिन में रहते थे शुभम और शुभी का टिफिन, केवी में जब पढ़ते थे, कोविड के पहले की बात है, तब ये मैं यूज़ करती थी, पर डीप है, बड़ी है, थोड़ी सी अब सब्जी बनानी होती है ना तो उसके लिए ये काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं इसका यूज़ कम करती हूँ। ये जिसका की है वो द इंडस वैली की चारों कढ़ाइयाँ हैं मेरे पास जो है, लेकिन आप अपना जो भी लेना चाहो आपकी चॉइस है। तो ये मैं यूज़ करती थी शुरू शुरू में, कई सारी जैसे भिंडी आधा किलो छोकनी है, बंद गोभी मटर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती थी तब मैं इसमें बनाती थी, क्योंकि आयरन में बनाना है सूखी सब्जियाँ, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया कभी। ये बड़ी कढ़ाई लेने में आप ये ले सकते हो। और जो मैंने बोला मेरी फ्रेंड का इंसिडेंट कि वो वोक ले रही थी, उसने ले भी लिया वोक, तो मैंने कहा वोक लो, पर बहुत हल्का है, मतलब इतनी भारी कढ़ाइयाँ उठाने के बाद ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने चम्मच उठा लिया। ये चाइनीज़ के लिए अच्छा है, इसमें आप मंचूरियन नूडल्स वगैरह बनाओ, पर अपनी डीप फ्राइंग के लिए तेल भर दिया कि सोचो ये कटोरा है डीप है इसमें काम कर लें पूरी तल लें, बाई चांस डिसबैलेंस हो गया गैस से तो रिस्क नहीं लेने का। और अगर आपने सोचा अभी तो ले लिया एक, इसको हम चार काम में यूज़ कर लें, यानी हम इसमें सब्जी छोंक दें, तो धीरे धीरे फिर ये जलने लगेंगी ना जब सब्जियाँ, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है तो ख़राब हो सकती है सब्जी, तो फिर इसलिए मैं इसको कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ ले लो। चाइनीज़ क्या है, तेज़ आँच में और हाफ़ कुक की जाती हैं, वो उसमें आधी कच्ची शिमला मिर्च है कोई टोकेगा नहीं, गाजर नहीं पकी है, लेकिन अगर आप सब्जी देंगे किसी को तो घर में शिकायत शुरू हो जाएगी कच्ची है सब्जी, गाजर नहीं पकी ठीक से, शिमला मिर्च नहीं पकी, ये फ़र्क है चाइनीज़ और हमारे हिंदुस्तानी खाने में, तो ये उसके लिए बढ़िया है। तो ये एक अलग पर्टिकुलर चीज़ हो गई, हैंडल वुडन का रहता है, ईजी
यूज है, हैंडी है। ये जो है ना ग्रिल पैन, ये मुझे पसंद नहीं आया। ये देख लो इसकी रंगत दिख रही है ना, क्योंकि जैसे ही हमने इसको गैस पे रखा, हमने सिर्फ 4 ब्रेड टोस्ट या ब्रेड पिज्ज़ा ही कभी बनाया होगा, तो ये बीच में से देखो ना अलग से धुआं जाता है, और मतलब आँच कहाँ लग रही है पता ही नहीं चलता। ये देखो ऐसे फ्लैट है देखने में, और ऐसे गैस में रखा तो ये नहीं है, सही नहीं है, मतलब कि नहीं है अच्छा। ग्रिल बन गई ब्रेड में, स्लाइस में, अगर 2 सेकेंड भी देर हो गई तो वो नीचे से डार्क हो जा रही है क्रस्ट उसका। क्रस्ट अच्छा आता है कास्ट आयरन में, मैंने तारीफ की थी कि सैंडविच अगर सेकना है तो कास्ट आयरन में अच्छा सिकता है, बिल्कुल सही। लेकिन ये ग्रिल में प्रॉब्लम है, ये देख लो कुछ नहीं, मेरे हाथ की तो सभी चीज़ें यूज़ की हैं, तो फिर इसमें ऐसा क्यों हुआ? इससे ना जल ज़्यादा जाती हैं, वो तुरंत तुरंत हटाओ रखो, और तुरंत हटाओ तो कई बार ब्रेड सिकती भी नहीं अच्छे से, तो क्या ही करो कितनी देर के लिए रखो। ये मतलब उतना अच्छे यूज़ में नहीं आया कढ़ाई में, से मैंने बता दिया आपको। अब एक लास्ट सवाल ये होता है कि ये जो कास्ट आयरन कढ़ाइयाँ हैं या हैंडल ये है, पैन है, भाई साहब बहुत ज़बरदस्त गर्म हो जाते हैं ये ये जो है कुकिंग करते वक्त कभी भी अचानक से पकड़ मत लेना, गर्म हो जाते हैं, हाथ जल जाते हैं। इसीलिए जब पहले कास्ट आयरन कढ़ाइयाँ शुरू हुई मार्केट में और ये फ्राइंग पैन, तो अब मार्केट में आ गए हैं सिलिकॉन के हैंडल्स ये। तो जब भी आप फ्राइंग पैन यूज करो तो आपको वन हैंडल है तो ये लगाना होगा इस तरीके का, ये जरूर लेना। अगर आप फ्राइंग पैन खरीद रहे हैं तो ये ले लेना, क्योंकि बार बार कपड़ा लेने की जैसे अब आदत नहीं रही तो ये आप इसमें लगा सकोगे ये। और फिर क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाता है, जैसे ये पूरा गर्म होता है ना तो पूरी बॉडी गर्म होती है, तो ये भी गर्म हो जाता है, चाहे आप गैस में यूज़ करो चाहे इंडक्शन में। और जितने भी कास्ट आयरन है, चाहे ये फ्राइंग पैन है चाहे कढ़ाई है, सारे के सारे इंडक्शन में भी यूज़ होते हैं। तो ये हैंडल लगाना पड़ता है, उससे इजी हो जाएगा, या फिर आप कपड़े की आदत रखो। दूसरा, ये जो कढ़ाइयाँ हैं ना, ये वाली कढ़ाइयाँ, इनमें ये ग्रीन कलर के भी हैंडल्स आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये है, इसमें आप ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि गर्म आदत नहीं है ना जिन लोगों को। अब हम लोगों को इतने सालों से आदत है तो हम तो हल्का फुल्का गर्म पकड़ लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को आदत नहीं है ना, आप ऐसे, तो ये आपके मल्टीपर्पज़ सभी में काम आ सकते हैं। ये आप अलग से ले लेना हैंडल, और वो आप लगा सकते हैं इसमें। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कास्ट आयरन में, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिलिकॉन का स्पैचुला यूज़ करें, ये स्पेशली स्टील की कढ़ाई के लिए ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वुडन का ही लो, कोई स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, नो मसले। आप स्टील का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी है दिक्कत, आप ऐसे शार्प वाले यूज़ ना करें, शार्प वाले, वो जो इरिटेटिंग वॉइस आती है ना, खर खर, वो मुझे बहुत गंदी लगती है, वो अच्छी भी नहीं है। अब जैसे ये वाले बर्ड आप यूज़ करेंगे ना, अजीब यो खर खर वाला, जैसे ये नए नए जो शार्प वाले होते हैं, हाँ जो बहुत ही, जैसे ये फ्लैट वाला जो है, इसलिए हमेशा इसी की आदत है मेरी, ये शार्प नहीं है ना ज़्यादा, तो ये मतलब स्मूथ कढ़ाई में जैसे नहीं कि स्मूथ वाला काम करता है, तो इस तरीके की ये इसमें आवाज आई किस किस आती हुई थी ऐसा। तो जो हमारे डेली यूज, कई बार होता है ना कि हम कई सारे स्पैचुलाज रखते हैं या चमचा कलछी वगैरह, लेकिन एक जो हमारे लिए ज़्यादा हैंडी होता है उसको हम यूज़ करते हैं, वैसी ही चीज़ कढ़ाई में भी है। दसियों तरह की किचन में कढ़ाई हो जाए, लेकिन जिस जो प्यारी होती है हमारे लिए, हम उसका ही यूज़ करते हैं, उसकी हमें आदत हो जाती है ना, तो इसलिए इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। ये देखो सेट ऑफ टू वाला है, ये भी सिंगल मिलती है, ये नहीं मिलती है, बाकी मिलती है सारी, आप देख सकते हो। और इस तरीके के भी सिलिकॉन के आते हैं, ये जैसे कि आपको सिर्फ उतारने के लिए चाहिए तो उतार लेंगे, तो क्योंकि इनके हैंडल हो जाते हैं गरम, ऐसे पकड़ने, ठीक है। जितनी भी मुझे जानकारी थी वो मैंने बताई, लेकिन साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। मेरे पास भी जब कास्ट आयरन कढ़ाई आई तो मुझे भी यही लगता था कि इसको क्लीन करने में दिक्कत होगी। इसका सबसे शानदार टिप क्या है, आप इसे रोज़ यूज़ करो, इसके नहा दो कि पीछे लग जाओ, जो भी कढ़ाई आपके पास आएगी कास्ट आयरन की, ये याद रखना अभिलाषा की बात कि चाहे घर में कितनी भी प्यारी कढ़ाई क्यों ना हो, हमारी फेवरेट, जब वो नया कोई कढ़ाई आएगी उसके नहा दो के पीछे लग जाना। आपने नोटिस किया होगा मेरी ये कढ़ाई मेरे पास होते पर भी, जब भी कोई न्यू कढ़ाई आई कास्ट आयरन की,
मैंने उसको बिल्कुल गैस के ठिकाने लगा दिया, गैस के बगल में, मतलब लगातार सुबह दोपहर शाम सब्जियां बन रही हैं तो उसी में बन रही हैं। जितना आप यूज़ करेंगे कास्ट आयरन, जितना ऑयल यूज़ होगा शुरू शुरू में, उतनी ही वो अच्छे से सेट हो जाएगी कढ़ाई, उसको आपको अलग से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक अलग से कुछ भी काम नहीं किया। अक्सर व्यूवर्स कहते हैं कि इसको कैसे मेंटेन करना है। कास्ट आयरन कढ़ाई करने के लिए अगर आपकी नई कढ़ाई आती है, आप पहले उसको नॉर्मल वॉश कर लो, साबुन जेल जो भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल स्पॉन्ज से, कोई एक्स्ट्रा तार वार का लोहे लंगड़े का की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें नमक डाल सकते हो एक चम्मच, नमक से पूर को ऐसे रगड़ दो और पानी से धो लो, उसके बाद साबुन से धो लो। साबुन से धुलने के बाद हमेशा 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 फिक्स एक आदत बना लो, एक अलग से कपड़ा रखो जिसमें जंग के निशान भी बन जाएंगे। जब आप इसको धुल लो, इसको कपड़े से पकड़ के अच्छे से ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद अगर आप कल भी यूज़ करने वाले हो, रात में यूज़ करने वाले हो, तो ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लगाती रोज़ रोज़ ऑयल, सच बता रही हूँ। अगर आपको रख देना है और आप इसको 15 दिन बाद निकालने वाले हो, तो आपको ऑयलिंग करनी है। डेली ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमने सब्जी बना ली, बर्तन धुल गए, अब हम पहले इसमें तेल लगा रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं। हमें कल फिर से बनाना है तो कपड़े से अच्छे से पोंछ दो। आपको बहुत जल्दी है, कपड़े में नहीं पोंछना है, तो आप सीधा धुलने के बाद गैस के ऊपर रख करके इसको गर्म कर लो, ताकि इसमें जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो प्रॉपर ड्राई हो जाए। अभी तक मैंने जितनी कढ़ाई दिखाई, देखो किसी में भी ऑयल नहीं लगा है, कुछ मैंने ऑयल से सीजनिंग नहीं की। सीजनिंग की ज़रूरत, ये प्री सीजन है। आप कास्ट आयरन जब लेंगे तो ये ज़रूर चेक करके देखना कि प्री सीजन होनी चाहिए। उन्होंने सीजनिंग करके भेजी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर उन्होंने सीजनिंग नहीं की है तो आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि मेरे पास जो भी कढ़ाइयाँ आई वो प्री सीजनिंग आई थी। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, मैंने डे वन से साबुन से धो के इस्तेमाल करना शुरू किया, कपड़े से रगड़ के पोंछा रखा और उनके पीछे लग के रगड़ के जो कढ़ाई आई उसको महीनों इस्तेमाल किया। इन दोनों को मैंने बता दो, अच्छा व्लॉग में देखा होगा, लोग पूछते थे अपनी वो कढ़ाई नहीं दिखती आपकी बड़ी वाली, आपकी कढ़ाइया रानी, क्योंकि इनको जब डेली यूज़ किया तो जैसे कई बार फ्राई करो आप कोई चीज़ ना कास्ट आयरन में, उसको छोड़ दो रात के लिए, कई बार हम लोग खाली कर लेते ना तुरंत, इनको मैं खाली नहीं करती, इंटेंशनली तेल डूबा रखा रहेगा ना तो वो तेल पिएंगी जितना, और फिर दूसरी तीसरी बार, और फिर अगले दिन तुम तेल निकाल लो फ्राई वाला, उसमें सब्जी छोंक दो, देखना कम तेल में सब्जी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो तेल उसने पिया था, फिर जब सब्जी पकती है वो पूरा तेल उसमें कवर हो जाता है, तो वो सीजन भी होती चली जाती है। जितना आप कुकिंग करोगे उतनी इसमें निखार आता जाएगा। रोज़ नहाना पसंद है इन्हें, ये है ज़रूर काली लेकिन नहाना इन्हें रोज़ पसंद है, इसका मतलब इनको रोज़ नहलाओ धुलाओ, रोज़ इसमें कुकिंग करो, तो ये जितना आप इसे यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। बहुत से लोगों के पास है कास्ट आयरन कढ़ाई लेकिन उनकी सीजन नहीं है या कुछ उनको प्रॉब्लम है, तो सबसे अच्छा तरीका है सीजनिंग का, प्याज काटो, उसको एक चम्मच, छोटा चम्मच जितना ऑयल डालो और उसको भूनो, ना भी ऑयल डालो, बिना ऑयल के भी प्याज भूनो। प्याज आपकी भूनने के बाद काली हो जाएगी, उसे फेंक दो, नमक लगाओ, नमक से रगड़ो, साबुन से धुलो, कपड़े से पोंछो, ऑयलिंग कर लो, ब्रश से ऑयलिंग, नॉर्मल ब्रश ऑयलिंग, ऐसा नहीं कि धुआंधार के पूरा तेल लगा के पूरा भर देना है, हल्का सा दो बूंद ऑयल ले करके आप उसको अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ यूज़ करते हैं तो आपको कुछ ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मैं नहीं लगाती, मैं अपना बता रही हूँ। हाँ, अगर आपको स्टोर करना है तो आप लगाओ, तो मेंटेन में कोई दिक्कत नहीं, झंझट ही नहीं कि रोज़ हमें इतने तामझाम करने हैं। हम बस रोज़ यूज़ करें, रेगुलर यूज़ करते करते वो अपने आप इतनी बढ़िया स्मूथ हो जाती है ना, कि नॉन स्मूथ कढ़ाई भी स्मूथ हो जाती है। हमेशा इसके पीछे पड़ने वाली है और इसको फिर पूरा चिकना करके मानेंगे हम लोग। अभी मैंने इसको सिर्फ दो बार यूज़ किया, मठरी तली थी और अगले दिन तेल वो रखा रहा ढक करके मठरी वाला, अगले दिन शुभम के लिए सुबह पोहे बनाए थे, फिर धो के रख दी और देखो कहीं कुछ ऑयल नहीं लगाया है। तो ऐसा ही रखना ड्राई, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके रिप्लाई दूंगी। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अगले, मुझे पता है स्टील की कढ़ाई के बारे में भी वीडियो बनाना है। ऐसे ही मैं, फेस्टिवल टाइम है तो मैं आपके साथ कुछ अपने जितने भी कुकवेयर हैं उनका रिव्यू देती जाऊंगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।